व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका एक और चैलेंज कंपैरिजन वीडियो में। गाइस आपसे मैं ना आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं। गाइस मैं ना कंपैरिजन जो है वो चैलेंज सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और ये इस चैलेंज सीरीज की वीडियो नंबर 1 है। जी हाँ गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोग गाइस नीचे ना टीम बनाओगे, टीम बना के आप लोग छोड़ोगे, जिसकी भी मुझे टीम बढ़िया लगेगी उसको मैं चैलेंज उसका एक्सेप्ट करूंगा और मैं अपनी टीम बनाऊंगा। आप लोग गाइस मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपनी टीम में कैप्टन और विकेट कीपर का मेंशन जरूर करिए और आप लोग ये मेंशन करिए कि ये ODI मैच है, टेस्ट मैच है या फिर T20 मैच है या फिर ये IPL का मैच है, या आप लोग ओनली IPL में इंडियन प्लेयर्स लेके टीम बना सकते हो, ओनली फॉरेनर प्लेयर्स लेके टीम बना सकते हो, आप लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कंबाइन 11 बना सकते हो, आप लोग ओनली RCB मुंबई की कंबाइन 11 बना सकते हो, आप RCB की ऑल टाइम 11 बना सकते हो, मुंबई की ऑल टाइम। तो मैंने ऐसे आप लोगों को हिंट दे दिए, जिसकी भी मुझे टीम इंटरेस्टिंग लगेगी, कोई डिफरेंट सी कोई टीम बनाएगा, जो इंटरेस्टिंग सी टीम कोई बनाएगा, लाइक मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, ओनली ओवरसीज 11 कोई बना दे, कोई इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मिक्स 11, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग सी टीम बनाएगा ना और मजबूत टीम बनाएगा, उसकी मैं टीम उठाऊंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये चैलेंज वीडियोस आज से एपिसोड नंबर 1 है और मैंने एक भाई का चैलेंज एक्सेप्ट किया है जिसका है भाई नाम है क्रिकेट 11 अपडेट। तो गाइज आपको स्क्रीन पर इस भाई की टीम दिख रही होगी, इन्होंने IPL की टीम बनाई है, 4 फॉरेनर प्लेयर्स रखे हैं, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन, AB डिविलियर्स, धोनी, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, राशिद खान, यूजी चहल और जसप्रीत बुमराह। काफ़ी खतरनाक टीम मेरे भाई ने बनाई है, 2 फास्ट बॉलर हैं बुमराह शमी, 2 स्पिनर हैं राशिद खान, यूजी चहल। वाओ मैन क्या बॉलिंग लाइनअप लग रही है, महेंद्र सिंह धोनी वहां पर कैप्टन है, विकेट कीपर है, कोहली है, रोहित शर्मा है, काफ़ी खतरनाक टीम है। और गाइस आप मैं इस टीम को चैलेंज करूंगा और विश्वास कीजिए ये टीम जो मैं बनाऊंगा ना ये ऑन द पेपर भी स्ट्रांग लगेगी और ये टीम इस टीम को हरा भी सकती है, काफ़ी स्ट्रांग मैं टीम बनाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए और नीचे अपनी टीम बनाकर छोड़िए ताकि मैं आपकी टीम उठाकर वीडियो बना सकूं। तो गाइस चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाते हैं क्रिकेट टॉक शो की बेस्ट 11। गाइस ओपनिंग पर कमाल लाजवाब राहुल को मैंने रखा है। जी हां गाइस IPL में काफ़ी अच्छा ये प्रदर्शन करते हैं, काफ़ी विस्फोटक पारी खेलते हैं, ऊपर आकर लंबी इनिंग खेलते हैं। गाइस ऐसा नहीं है कि ये 30-40 रन करके आउट हो जाते हैं, ये लंबी इनिंग खेलते हैं, लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है गाइस और ये अपनी पारी को कंटिन्यू करते हैं। इनका साथ देंगे गाइस ईशान शानदार किशन, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, ऋतुराज का, एक बार का, फैप डुप्लेसिस का, शिखर धवन का, क्विंटन डिकॉक का, जॉस बटलर का, लेकिन गाइस मैं फ्रेंकली बताता हूँ आई एम अ बिग फैन ऑफ ईशान किशन और जब वो ओपनिंग पर आते हैं तो मुझे काफ़ी उनकी बैटिंग बढ़िया लगती है। और गाइस देखिए KL राहुल ईशान किशन लेफ्ट राइट इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है और अगर ये दोनों ही विस्फोटक रूप में खेलेंगे, KL राहुल भी अगर डिफेंस नहीं करेंगे विस्फोटक खेलेंगे ना तो ये दोनों गाइस धूम मचाने वाले हैं। नंबर 3 पर गाइस सूर्य कुमार यादव स्काई को मैंने रखा है, जो कि गाइस मुंबई इंडियंस ने रिटेन भी किया है इनको, क्यों किया है आपको पता ही है, काफ़ी ज़बरदस्त ये प्लेयर है। नंबर 4 पर गाइस सुरेश अय्यर मैंने रखा है, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन को मैंने रखा है, मेरी इस टीम के भी कैप्टन होंगे सुरेश अय्यर। नंबर 5 पर गाइस वहां पर आएंगे ताबड़तोड़ पंत, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत विल बी देयर और गाइस ये हमें इस टीम की विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 6 पर गाइस जो मेरे इस टीम के पहले विदेशी प्लेयर होंगे और ऑलराउंडर होंगे आंद्रे रसल द मॉन्स्टर, जी हाँ गाइस आंद्रे रसल वहां पर आने वाले हैं, आपके लिए बॉलिंग की ऑप्शन बहुत अच्छी खासी देते हैं, डेथ ओवर्स में काफ़ी अच्छी खासी ये बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर्स में अच्छी खासी ये कुटाई भी करते हैं। नंबर 7 की बात करूं तो गाइस कायरन पोलार्ड को मैंने रखा है, जो कि मेरी इस टीम के दूसरे ऑलराउंडर होंगे और मेरी इस टीम के दूसरे विदेशी प्लेयर होंगे। गाइस देखिए मेरी इस टीम की बैटिंग फायर पावर देखिए गाइस, ईशान राहुल ऊपर हैं, मिडल ऑर्डर में स्काई, सूर्य कुमार यादव और ताबड़तोड़ खेलने के लिए ऋषभ पंत, आंद्रे रसल, कायरन पोलार्ड। और यहीं तक खत्म नहीं होती गाइस बैटिंग, रुकिए रुकिए नंबर 8 पर आने वाले हैं सर रविंद्र जडेजा, अब बोलिए गाइस बैटिंग कितनी लंबी जा रही है इनकी। सर रविंद्र जडेजा नीचे आकर तकड़ी पावर हिटिंग करते हैं, तकड़े ये फील्डर हैं, तकड़े ये स्पिनर हैं गाइस। नंबर 9 की बात करूं, रुकिए गाइस अभी भी बैटिंग खत्म नहीं हो रही, नंबर 9 पर आ रहे हैं द बाउंसर किंग जोफ्रा आर्चर, ठीक ठाक कुटाई गाइस ये भी कर लेते हैं और कितनी जबरदस्त ये बॉलिंग करते हैं, कितने जबरदस्त ये प्लेयर हैं। अभी IPL ऑक्शन में नाम दिया है अपना, खेलेंगे नहीं गाइस फिर भी बिकेंगे, हालांकि मोटी रकम शायद ना मिले क्योंकि खेलने नहीं वाले। आप सोचिए गाइस किस दर्जे का ये प्लेयर होगा, अपना नाम दे दिया है, खेलेगा नहीं फिर भी टीमें इनके पीछे जाएंगी। नंबर 10 पर गाइस जो चौथे मेरे विदेशी प्लेयर होंगे कगिसो रूथलेस रबाडा,
और मेरी ये प्रडिक्शन है ना बॉलरों में गाइस, विदेशी बॉलर्स में सबसे ज्यादा महंगे होने वाले हैं कगिसो रूथलेस रबाडा। नंबर 11 की बात करूं तो गाइस मैंने रखा है राहुल चाहर को, एक और स्पिनर को मैंने लिया है, जडेजा और राहुल चाहर दो इस टीम के स्पिनर हो गए। तो गाइस दोनों ही टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, क्रिकेट 11 अपडेट एंड क्रिकेट टॉक शो, दोनों टीमें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। गाइस मेरे पास भी दो फास्ट बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर रबाडा, दो स्पिनर तगड़े स्पिनर हैं, राहुल चाहर रविंद्र जडेजा तगड़े पावर हिटर्स हैं, पंत रसल पोलार्ड तगड़ा मिडिल ऑर्डर है, सूर्य कुमार यादव श्रेयस अय्यर के रूप में तगड़े ओपनर हैं, गाइस केएल राहुल ईशान किशन। मैंने बोला था मैं टक्कर दूंगा क्रिकेट 11 अपडेट को और हरा भी दूंगा, मेरे हिसाब से तो ऑन द पेपर भी मेरी टीम मेरे को काफ़ी खतरनाक लग रही है, और अगर ऐसा कोई मैच हुआ ना गाइस धो देगी ये टीम आराम से क्रिकेट 11 अपडेट की टीम को धो देगी, हालांकि मेरे भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त टीम बनाई है। तो गाइस अब मेरा काम खत्म हुआ, आप लोग बताइए कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी, और मैं एक बार फिर याद दिला दूं अब से कुछ टाइम तक मैं जो है वो आपके चैलेंजेस एक्सेप्ट करूंगा, ये वीडियो नंबर 1 है, आगे और भी वीडियोस आएंगी, लगातार वीडियोस आएंगी, तो अपनी टीम बना के छोड़ना मत भूलिए। और गाइस हमारी इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।